एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहाँ अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है, शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही है। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहाँ देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्र कथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बुंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड़भाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में